हेलो गाइस, दिस इज़ गोलू। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी डाइट लाया हूँ जो आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएगी, और ये डाइट आपके प्रोटीन को काफ़ी ज़्यादा कवर करेगी, उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। ओके, और ये आपके बॉडी पार्ट्स के मसल्स को आसानी से ग्रो करेगी और आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा और भी अच्छी लगने लगेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि हमारी बॉडी को अगर 100% माना जाए तो उसमें से 70% हमारी डाइट का एरिया होता है और 30% हमारी एक्सरसाइज का एरिया होता है। और इस डाइट में मैं आपको कैलोरीज़ और प्रोटीन के बारे में बात करूंगा। ओके, तो सबसे पहले आप कैलोरी को समझ लीजिए। कैलोरी क्या होती है, कैलोरी हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। देखिए, कैलोरी हम कोई भी फूड लेते हैं या कुछ भी खाना खाते हैं तो उसको उसमें जो हमें एनर्जी के रूप में या एनर्जी के फॉर्म में जो पावर मिलती है उसे हम कैलोरी कहते हैं। और नंबर सेकंड, हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे मसल्स को ग्रो करता है। जैसे हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं ना, उनको ग्रो करता है वो। ओके, अब हम एक मेल बॉडी की बात करें तो उसमें उन्हें 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है और 56 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो उसमें 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है और 46 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो देखिए, आज की वीडियो का मेन टॉपिक क्या है कि मसल कैसे ग्रो करें, तो वो होगा प्रोटीन से। तो प्रोटीन के कई सारे सोर्स हैं जिससे हम प्रोटीन ले सकते हैं, बट मैं आपको टू द पॉइंट ऐसे सोर्स बताऊँ जो आपको आसानी से अवेलेबल होंगे। ओके, देखिए, हम सबसे पहले तो बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन को आप बीन्स के फॉर्म में या दाल के फॉर्म में भी ले सकते हो, या आप इसे चंक के फॉर्म में या बरी के फॉर्म में भी ले सकते हो। ओके, आपको 50 ग्राम सोयाबीन में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे दही की। ओके, आपको 100 ग्राम दही में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और आप इसे अपने लंच में ऐड कर सकते हो, या आप खाना खाने के बाद इसे लस्सी बनाकर भी पी सकते हो। ओके, और ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा जो माइग्रेन की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा ये दिमाग को शांत करता है, और ये हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, और उसे खाना को जो हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, अब हम थर्ड नंबर की बात करेंगे जिसमें है मिल्क, दूध, जिसमें आपको एक दिन में 2 गिलास दूध लेना है, जिसमें आप 300 ml का एक गिलास होता है लगभग, जिसमें आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और आप एक गिलास सुबह ले सकते हो, एक गिलास शाम को ले सकते हो। अब आपको ये दूध आपका कैल्शियम के एरिया को काफ़ी ज़्यादा कवर करेगा, और आपकी जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएंगी इससे। अब हम बात करेंगे बीन्स की, दाल की, जो कि आपको अरहर की दाल या मूंग की दाल या कोई धुली दाल या कोई भी दाल मिल जाए, आपको एक दिन में 100 ग्राम खाना है। आप इकट्ठी तो इसे खा नहीं सकते, और आपको 100 ग्राम दाल में आपको कम से कम नहीं तो 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ओके, और आप इसे इकट्ठी तो खा नहीं सकते, तो आप आधी सुबह और आधी शाम को खा सकते हो, लंच में और डिनर में। अब हम प्रोटीन को काउंट कर लेते हैं कि हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सोयाबीन की, जिसमें आपको 50 ग्राम में 18 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और फिर हम बात करेंगे दही की, जिसमें आपको 100 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और अब हम बात करेंगे मिल्क की, जिसमें आपको 2 गिलास लेना है, तो उसमें आपको 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और अब हम बात करेंगे दाल की, जिसमें आपको 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ओके, तो आप काउंट करोगे तो इसे आपको 73 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। ये प्रोटीन आपके जो नॉर्मली लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी है, और जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए जो नीड होती है, जो एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है प्रोटीन की, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है इस डाइट से। अब आप एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए, जो कि है कि आप ये सारी डाइट तो आप ले लोगे, बट आप इसे बचाओगे कैसे। आप इसे एक्सरसाइज से बचा सकते हो। ऐसा मतलब नहीं है कि आप एक्सरसाइज से ही बचाओगे, आप कोई स्पोर्ट्स, आप कोई गेम भी खेल सकते हो, या कोई योगा भी कर सकते हो जिसमें आपकी बॉडी मूवमेंट करे, फिजिकली वर्क करे। ओके, और आप कोई गेम भी खेल सकते हो। गेम से मेरा यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि आप पबजी खेलो या लूडो खेलो, मतलब ऐसा मतलब नहीं है। ये गेम्स हमारे दिमाग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, बट इन्हें लिमिट में ही खेलना चाहिए। ओके, आपको फिजिकली वर्क करना है इस डाइट को पचाने के लिए, इसे आसानी से कंज्यूम करने के लिए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड और डाइट से रिलेटेड टिप्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैंने लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में। ओके, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।